मामला है, आज जो है चेकिंग के दौरान एक महिला को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली की रहने वाली है। उसने बताया कि वह काम वो काफ़ी समय से कर रही है, अपने साथी से बिछड़ जाने के कारण वो यहाँ उतर गई थी ट्रेन से, दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी समय मुखबिर की सूचना है तो हम लोग पकड़ लाए इसको। काफ़ी समय से इसको पुलिस की तलाश थी और ये दक्षिण भारत से लेके इनका नेटवर्क पूरे दिल्ली से लेके उत्तर भारत तक फैला हुआ है। कितने अपराधी मामले दर्ज हैं सर? अभी ज़्यादा जानकारी तो नहीं, ये पता चला है कि एक दो बार और पकड़ी गई थानों पे दिल्ली और वहाँ पे, वहाँ से आपराधिक इतिहास मंगवाया जा रहा है इसका। ये कहाँ से क्या बरामद हुआ है सर? इसके पास से 5 किलो गांजा मिला है, 7,500 रुपये नकद मिले हैं और मोबाइल वगैरह है, जो कि अभी जांच के लिए रखा गया है सर, जांच की जा रही है। किस प्रकार से पकड़ी गई सर? चेकिंग चल रही थी प्लेटफॉर्म पे, उसी समय इससे बैग दिखाने के लिए कहा गया तो इसने आनाकानी करने लगी, तो इसके बाद फिर चेक किया गया तो उसने बाद में बताया कि मेरे पास गांजा, इसलिए मैं नहीं करना चाहती। तो यहाँ आने का कारण पूछा गया, फिर ट्रेन से जा रहे थे, समता एक्सप्रेस का नाम लिया इसने, जा रहे थे, साथी से बिछड़ गए इसलिए यहाँ उतर गए थे। कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये विशाखापट्टनम से आ रही थी और दिल्ली जाना बता रही है। इस कार्य में लिप्त है ये करीब 1 वर्ष, ये बता रही कि 1 वर्ष से मैं ये कार्य कर रही हूँ और इसके बदले मुझे मजदूरी मिलती है। विशाखापट्टनम में कोई ना कोई व्यक्ति जो है कि बार बार अदल बदल के लाते हैं, हमारी सीट के जो जुरिडिक्शन होता है इनका, उस सीट के पास रख के चले जाते हैं और दिल्ली में कोई व्यक्ति आता है उतार लेता है, जिनके नाम ये अभी बता नहीं रही है, जिस संबंध में पूछताछ चल रही है।